सच और हक़ के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद। दोस्तों, आप लोग रूबी का लियाकत को बखूबी जानते होंगे। किस तरह से रूबी का लियाकत बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करती है, ये सब आप लोगों को मालूम होगा। और बीजेपी किस तरह से हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, भारत में बीजेपी और आरएसएस मिलकर किस तरह से पूरे भारत में कट्टर हिंदुत्व फैलाना चाहती है, वो भी आप लोगों को मालूम होगा। तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो इसी को लेकर रूबी का लियाकत हिंदुत्व फैलाने के लिए पहुंच गई बागेश्वर धाम, यानी कि धीरेंद्र शास्त्री का इंटरव्यू लेने। तो धीरेंद्र शास्त्री का इंटरव्यू लेते लेते खुद भी कल वो घर वापसी कर मुसलमान से हिंदू बनकर आ गई। अगर उसमें थोड़ा सा शर्म बचा होता तो कुछ पत्रकारिता अगर सच में करना था उसको, या मुसलमान को लेकर थोड़ा सा अगर उसमें चिंतित होती हो तो इस तरह से सवाल पूछती, बाबा खुद बौखला जाता। तो ये तो गई थी हिंदुत्व का प्रमोट करने के लिए, किस तरह से बीजेपी के लिए काम करना है, बिल्कुल साजिश के तहत गई थी। तो अपने आप घर वापस भी उसका हो गया, मुसलमान से वो हिंदू बनकर आई है। पहले थोड़ा सा एक झलक इंटरव्यू का दिखा देता हूँ, बहुत लंबा इंटरव्यू है, 38-40 मिनट का इंटरव्यू है, मैं सिर्फ 10 सेकंड का दिखा देता हूँ, आप लोग 10-12 सेकंड का इंटरव्यू देख लीजिए। मेरे जो पूर्वज हैं वो भी सनातनी थे। हाँ, मेरे पूर्वज सनातनी थे। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए दिया। नहीं, क्लियर कि मेरी सात पुरुष जो थी वो सनातनी थी। बस आपने मंच को प्रणाम किया तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की, फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल देखा, बहुत बड़ा इंटरव्यू था, तो मुझे इतना दिखाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को लेकर जहां बात आएगी तो मैं बोलूँगा किस तरह से रूबी का लियाकत हिंदुत्व करके हिंदुत्व का प्रमोट कर रही है। एक तरह से वो हिंदुत्व का प्रमोट ही कर रही है। जब धीरेंद्र शास्त्री ये बोल रहा है कि आपके पूर्वज सनातनी थे, तो ये भी अपने आप मान रही है हमारे सात पुरुष थे, यानी कि सात पीढ़ी पहले सब सनातनी ही थे, तो हमारे बाप दादा ने मुसलमान बन गए तो इसलिए हम भी मुसलमान हैं। तो भाई घर वापस कर ले, कौन रोक रहा है, अगर हिंदू थे तो घर वापस ही कर ले। तो उसी पर मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर उन्हीं के वो हिंदुत्व वाले के कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ के चलते हैं कि पहले सात पुश्त जो हमारे थे, सात पीढ़ी जो हमारे पहले थे वो हिंदू थे, अगर हिंदू थे किस तरह से मुसलमान बने, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना। अगर दम होता रूबी का लियाकत में तो ये क्वेश्चन करती, ये प्रश्न पूछती, ये सवाल पूछती कि भाई किस तरह से अगर हम लोग हिंदू थे तो मुसलमान क्यों बन गए। तो वो झट से ये जवाब देता कि मुगल आकर ज़बरदस्ती बना दिए, मुग़ल आकर कन्वर्ट करा के हिंदू से मुसलमान बना दिए। चलो, अगर ऐसा था, 700-800 साल मुसलमानों ने भारत पर राज किया, अगर उस बात को हम मान के चलते, क्या वो सारे हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना सकते थे? फिर भी हिंदू किस तरह से मेजोरिटी में रहे, माइनॉरिटी बनकर मुसलमान रह गए, इतने कम मुसलमान क्यों बने? 800 साल मुग़लों ने राज किया, अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सबको मुसलमान बना देता। क्यों माइनॉरिटी में मुसलमान है और मेजॉरिटी में हिंदू है, क्यों भाई? दूसरा, अगर ये सवाल पूछ देती, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा अभी भी तो जात पात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसा अगर है तो मुसलमान में तो जात पात नहीं है, हो सकता है कि हमारे साथ, हमारे पूर्वज के साथ बहुत नाइंसाफी किया गया हो, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत गड़बड़ी दिखता है, उसी वजह से शायद हम मुसलमान बन गए हो। तो फिर उसके मुंह पे ताला लग जाता धीरेंद्र शास्त्री का, कोई उसके पास जवाब ही नहीं था, ऐसे तो हम मुसलमान नहीं बन गए होंगे, मुसलमान में कुछ अच्छा ही है, इसीलिए 56 देश जो है मुसलमान ही है, भले ही आपस में लड़ भिड़ के मर जाए मगर वो कभी हिंदू या क्रिश्चियन नहीं बनेगा, चाहे लड़ भिड़ के जो भी कर लें। कभी देखा कि कोई भी देश हिंदू बनने जा रहा है, क्रिश्चियन बनने जा रहा है? 56 देश मुसलमान का है, चाहता तो कोई ना कोई हिंदू बन जाता, लड़ भिड़ के आपस में चाहे मर भी जाए, कहीं ना कहीं मुसलमान में कुछ ना कुछ 100% अच्छा ही है, तब जाकर अगर आपके कॉन्सेप्ट भी मान लिया जाए तो मुसलमान तभी जाकर बने हैं। दूसरा, मंच को जाकर इसने प्रणाम कर लिया भाई, और पूछने पर बोल रही है ये मेरा परंपरा है। अगर परंपरा है, गोबर खाना भी कुछ लोगों में परंपरा है, मूत्र पीना भी कुछ परंपरा है, और बाबा के मंच पर नहीं जाकर सीधा पैरों पर जाकर गिर जाती, मंच को प्रणाम ना कर सीधा
बाबा के पैरों तले गिर जाती, सर रख कर रगड़ लेती, तब जाकर कुछ पुण्य भी मिल जाता और शायद आशीर्वाद भी मिल जाता। ये भी तो परंपरा था, मंच को सिर्फ प्रणाम करने की क्या परंपरा है? क्या तो बेवकूफ़ी भरा बात हो गई। अगर सनातनी परंपरा को तुम मान रही है, मुसलमान वो ये बोल रही है कि हम मुसलमान हैं लेकिन हिंदू परंपरा है हम में है, तो भाई अच्छा होता हिंदू परंपरा के हिसाब से प्रणाम करके लेती, चाट लेती जीभ लगाकर। तो दोस्तों आप लोगों को खुद समझना चाहिए, ऐसे लोगों को मुसलमान बच्चे फॉलो करेंगे जो मुसलमान के नाम पर धब्बा हैं? हमारे मुफ्ती मौलाना को फॉलो करें या ऐसे बेहुदा इंसान को फॉलो करें? आप लोग खुद डिसाइड करें। जय हिंद।